इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से, जहां संयोगितागंज थाना पुलिस ने नकबजनी का बड़ा खुलासा किया है। 24 घंटे पहले हुई पेट्रोल पंप पर नकबजनी की घटना हुई थी, जहां जीपीओ चौराहे पर लक्ष्मी सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप पर अज्ञात चोर ने हादसा किया था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह खुलासा किया है। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से सहयोगी हार्दिक प्रजापत। हार्दिक, बताइए क्या है पूरा मामला और कैसे हुई इसकी धरपकड़? सर, संयोगितागंज थाना क्षेत्र में कल एक नकबजनी की घटना सामने आई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दो चोर चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। वहाँ उसने पहले रेकी करी, रेकी करने के बाद जब उसके पेट्रोल पंप पे कोई भी वरिष्ठ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा, उसके बाद वहाँ पेट्रोल पंप के अंदर गया, केबिन के अंदर 2.5 लाख रुपए रखते हुए चोर ने देख लिया था मैनेजर को, और फिर वहाँ पे से फिर उसने चोरी करना। तो सीसीटीवी के आधार पर ये चोरों की जो गिरफ्तारी हुई है, तो क्या ये जो चोर हैं, क्या पहले भी इनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज है? हाँ सर, उसमें वो लगातार आदतन अपराधी ही चोर है, वो लगातार चोरी करता रहता है जी। हार्दिक, इनसे चोरी का कितना अभी राशि बरामद हो पाई है चोरों से? सर, 2,68,000 रुपए के लगभग उस राशि बरामद हुई है, और 6,000 रुपए उसने अपनी निजी खर्चे पे खर्चा कर दिए जी। जी, तो ये चोरों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई हार्दिक? सर, चोरों को गिरफ्तारी उसने उनके घर से उसे गिरफ्तार करके लेके आ रहे जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ये कल शाम की घटना है, थाना सरतरंज के पास एक पेट्रोल पंप है, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि 2,78,000 रुपये की चोरी हो गई है। घटना तो दिन के समय की है, किंतु जब शाम के समय पेट्रोल पंप मालिक ने पैसे की गिनती करना शुरू किया, कुछ पैसे उसमें से कम पाए गए, तब उनके संज्ञान में मामला आया कि कुछ पैसा यहाँ से चोरी हुआ है। फिर उन्होंने पूरा पैसा कैलकुलेट किया, तब उनको फिगर मालूम हुआ, उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट की। संयुक्ता थाने में रिपोर्ट करने पर तुरंत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, और उसके बाद थाना प्रभारी संयुक्तागंज और ACP संयुक्तागंज, इन्होंने मामले को बारीकी से देखा, इसमें टीम लगाई। टीम ने फिर पता किया घटना के संबंध में, तो एक व्यक्ति का आना पता हुआ, जो एक जो है हाफ पैंट में अंदर घुसा हुआ था, और जब उसके बारे में पता करना शुरू किया तो कुछ उसके बारे में सूचना प्राप्त हुई, सीसी फुटेज भी चेक किए गए, तो उसमें ये पता लगा पास में ही एक किराए से रहने वाला लड़का था, और हुलिया के आधार पर उसको फिर उसके घर पर तलाश की गई, तो पता लगा कि 3 बत्ती के पास कहीं किराए से रहता है, 3 इमली के पास में किराए से रहता है, वहाँ भी चेक किया गया, तो महू की तरफ जाना पता हुआ। टीम लगातार काम करती रही, और फिर उसको जब पकड़ा गया तो पकड़ने पर पुलिस ने उससे पैसा बरामद किया, कुछ पैसा ज़रूर उसने अपने और अपने दोस्त के कपड़ों को खरीदने में लगा दिया था, किंतु अधिकांशतः इसमें पुलिस ने जो भी पैसा चोरी हुआ था बरामद कर लिया है। इसमें थाना प्रभारी संयुक्तागंज और उनकी टीम ने जो काम किया है, उसमें इनको इनाम भी जो है DCP साहब की तरफ से दिया जा रहा है। अभी तो कोई भी जो है पुराना रिकॉर्ड इसका फिलहाल तक तो नहीं आ पाया है, किंतु ये मुख्यतः मजदूरी का काम करता है, और आसपास यहाँ पर पहले घूमता हुआ देखा गया था। नहीं, ये तो आर्थिक स्थिति के कारण घटना इसने की है, ये बात तो नहीं सही प्रतीत होती है, किंतु ये काम कर सकता है व्यक्ति, बहुत सारे काम है अभी जहाँ पर कि ये पैसे कमा सकता है, किंतु ये इसकी जो चोरी की आदत है वो हम देख रहे हैं कि इसने और भी कहीं चोरी की हुई है, अभी पता कर रहे हैं।